टॉप 10 कौन कौन सा है? यूसुफ भाई आप कितना साल से काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आप मिलाते हैं यूसुफ भाई? उसमें वनीला है, हर परफ्यूम में एक स्टोरी होता है। सही है यूसुफ भाई, अच्छा परफ्यूम का निशानी क्या है? ओरिजिनल प्राइस कितना है? और यूसुफ भाई सऊदी अरब से माशाल्लाह है, जो टॉप परफ्यूम मेकर है, पर पीस कितने तक आएगा यूसुफ भाई? मिडल नोट से उसमें कॉफी, जैस्मिन, बिटर आलमंड, कौन कौन से नोट्स हैं? थ्री नोट है। बिल्कुल, आप यूसुफ भाई से क्यों बना रहे हैं? तो भाई ये तकरीबन कितना टाइम लगता है एक परफ्यूम बनाने में? शुगर का नोट है। बिल्कुल, आवाज डियोर का। अच्छा, एलिक्सर बोल के और बनारस। इतने परफ्यूम में क्यों चीज के इतने? हलाल करने का। हलाल कर रहे बाद में बनाने के बाद में ना ये चिल्लिंग कर रहे। हमारी तरफ से अगर कोई कस्टमर आता है कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त डेरा दुबई में हूँ, यूसुफ भाई परफ्यूम्स में आज आपके साथ यूसुफ भाई डिटेल शेयर करेंगे। ये यूसुफ भाई परफ्यूम जो है ये गोल्ड सोक के बिल्कुल पास में है, कोयती मस्जिद वाली गली में है, और यहाँ पे ये परफ्यूम मार्केट है। यहाँ पे आपको होल सेल और रिटेल में और हर तरह के परफ्यूम्स मिल जाएंगे, अरबिक परफ्यूम्स, फ्रेंच परफ्यूम्स, स्प्रेज, बखूर और परफ्यूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। तो आज आपको यूसुफ भाई बताएंगे कि परफ्यूम जो है वो किस तरह से बनता है। वो आपको ब्लैक ओपियम जो परफ्यूम है वो बना के दिखाएंगे, और इस तरह से जो सवाज डियोर का एलिक्सर है वो भी आपको दिखाएंगे। इसी तरह से जो परफ्यूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ यूसुफ भाई शेयर करेंगे। उनकी जो स्टोरी है यूसुफ भाई की कि उन्होंने कब ये स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आपने है वीडियो को अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है, आपको पसंदीदा जो नोट है वो कौन सा है। नॉर्मली परफ्यूम में जिस तरह से तीन किस्म के नोट्स होते हैं, जो ऊपर वाला नोट होता है या टॉप नोट कहते हैं उससे, फिर मिडल नोट या हार्ट नोट कहते हैं, और इस तरह से बेस नोट्स जो होते हैं। नॉर्मली जो ऊपर वाले नोट्स है उसमें जो फ्लोरल, स्ट्रेस या ऑरेंज जो हल्के फुल्के फ्रेग्रेंसेस हैं वो अपर नोट में होते हैं, और मीडियम में जो है वो जो मीडियम रेंज के जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो मिड जो नोट्स है उसमें होते हैं, और जो बेस नोट्स है उसमें जो स्ट्रॉन्ग किस्म के जो खुशबू होते हैं, जिस तरह से ऊद, अंबर, जो मिस्क है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेदर वगैरह ये बेस नोट्स में होती है। तो बहुत सारी ये आपको जिस तरह से नज़र आ रही हैं बहुत सारे नोट्स हैं, ये सब फ्रेग्रेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इसरार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये इसरार भाई मुझे यहाँ पे मिले आए थे यूसुफ भाई के पास, स्पेशली मैं सऊदी अरब से आया। सऊदी अरब से माशाल्लाह है। तो इसरार भाई आप यूसुफ भाई से अभी क्या बनवा रहे हैं? ये ऑप्टिमस है। ऑप्टिमस है, तो ये आप यूसुफ भाई से क्यों बना रहे हैं? यूसुफ भाई का टिकटॉक में खूब देखा। अच्छा, ये एक्सपर्ट है। सही है यूसुफ भाई, तो माशाल्लाह यानी मार्केट में इस वक्त जो जो टॉप परफ्यूम मेकर है उसमें यूसुफ भाई का काउंट होता है। तो जी यूसुफ भाई आप जो परफ्यूम बना रहे हैं इसमें, ये आप देखिए यूसुफ भाई बना रहे हैं, आप क्या बताया अपने नाम इसका? ब्लैक ओपियम। ब्लैक ओपियम। अच्छा, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? और यूसुफ भाई तकरीबन 400 दिरहम तक आएगा, तकरीबन 400 तक है। और अभी आप कितने एमएल बना रहे हैं यूसुफ भाई? 200 मिली बना रहे, दो पीस बना रहे उसका। अच्छा अच्छा, दो पीस 100 एमएल का। हाँ जी। तो पर पीस कितने तक आएगा यूसुफ भाई? 70 दिरहम है। तो अब देखो कितना फर्क है, और अगर आप लेगा 400 और यूसुफ भाई का माशाल्लाह। सही है। तो अच्छा यूसुफ भाई, ये ब्लैक ओपियम 200 ml आप बना रहे हैं, इसमें वैसे तो कुछ चीज़ें सीक्रेट्स होती है, लेकिन इसमें क्या क्या आप मिलाते हैं यूसुफ भाई? उसमें वनीला है। ओके, आपके पास इसमें जो नोट्स है ब्लैक ओपियम में कौन कौन से नोट्स हैं? उसमें आपके पास वनीला पड़ा है। ओके, इसमें जो टॉप नोट्स, मीडियम नोट्स और बॉटम नोट्स उसका, उसमें जो टॉप नोट्स है ब्लैक कॉपी में कौन कौन से हैं उसका? मैं बताया ना वनीला, उसका टॉप नोट डिटेल्स पूरा। ओके, उसका डिटेल्स पूरा मैं बताएगा आपको। अच्छा अच्छा, सही। ओके,
हमारी फ्लाइट है, जस्ट परफ्यूम लेने आए। आप लेना इसको मना नहीं कि ना पूछो कौन सा वाला नहीं, आपको स्पेशल सा बना के देंगे। मुश्किल नहीं है ना, पूछो ना कौन सा वाला चाहिए। ये माशाल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? आप भी सुन, मैं सुन रहा था कि आप भी यूसुफ भाई के लिए स्पेशली आए। स्पेशल आए, हमारी फ्लाइट है, देर हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या बनाने आए यूसुफ भाई के पास? परफ्यूम लेने आए। माशाल्लाह, यूसुफ भाई से क्यों ले रहे हैं? ये इनका बड़ा नाम, ये भाई इधर ही रहते हैं दुबई में, इन्होंने अच्छा, बताया था। सही है, मैंने कहा यहाँ से लेके। सही है, तो यूसुफ भाई चूंकि माशाल्लाह एक ब्रांड है परफ्यूम मेकिंग में, इनका एक नाम है, तो डेफिनेटली अभी हर कोई चाहता है कि यूसुफ भाई से बनाए। और यूसुफ भाई के जितने भी माशाल्लाह रिव्यूज हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं। और प्राइस वाइज अगर आप देखें तो डेफिनेटली प्राइस भी जो है, अगर आप जिस तरह से ये ब्लैक परफ्यूम बना रहे हैं, तो ब्लैक परफ्यूम का जिस तरह से यूसुफ भाई ने बताया ये 400 के आसपास है, लेकिन ये 100 ml बना के देंगे 70 दरम में, तो कितना फ़र्क हुआ? बहुत फ़र्क हुआ। आप अब क्या बना रहे हैं? हम अभी चेक कर रहे हैं। अच्छा, जो स्पेशल लगेगा हम जो स्पेशल। नॉर्मली आपको जिस तरह से परफ्यूम में अरबिक परफ्यूम्स आती हैं, फ्रेंच परफ्यूम्स, ये दो जो मेन हुआ है, आपको अरबिक पसंद है या फ्रेंच? कुछ मिक्स होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग में होती है। अच्छा अच्छा, सही है। ये यूसुफ भाई जो है ब्लैक परफ्यूम जो है यहाँ पे बन रहा है। यूसुफ भाई, ये तकरीबन कितना टाइम लगता है एक परफ्यूम बनाने में? तकरीबन हर फ्रेग्रेंस में तकरीबन 11 नोट्स होते हैं। अच्छा, हम मतलब पचोली होते हैं, अभी इसमें बर्गमोट होता है, उसमें कॉफी होते हैं, ओके, इसमें वनीला होता है, उसमें जास्मिन होता है, ऐसे फ्रेग्रेंस से बनाते रहते हैं। ओके, लेकिन हम लोग एक साथ वो अभी बना के रखा है। अच्छा, वो फ्रेग्रेंस आपको कौन सा चाहिए? ब्लैक परफ्यूम चाहिए? नहीं तो उसमें कोई कोई आदमी बोल रहे मेरे को वनीला चाहिए। अच्छा, ये तो बोलेगा हमको चॉकलेट ज्यादा डालने के। सही है, ऐसी बोलेगा तो आप देखो है यार अच्छी है। हाँ, ये माशाल्लाह पूरा जितना भी है शुगर। अच्छा, शुगर कैन वाटर, बिल्कुल। वैसे यूसुफ भाई शुगर बहुत, इसके जब आप परफ्यूम में मिक्स करते हैं बहुत स्वीट मजा आता है उसका। ये सी नोट है, बिल्कुल ऐसी नोट्स होते हैं। ओके, ये हर चीज है ना, अभी देखो जी जी, इसमें हर चीज फ्रेग्रेंस होता है। सही, ये बेस नोट्स। और अच्छा, इसमें जो ये वाला परफ्यूम है, इसके नोट्स आपने कहा कि इसमें वनीला, वनीला ये है और जो बेस नोट है मिडिल नोट में इसका ये, अच्छा टॉप नोट्स में इसका पियर है, पिंक पेपर है और ऑरेंज ब्लॉसम है, और जो मिडिल नोट्स है उसमें कॉफ़ी, जैस्मिन, बिटर आलमंड, और इस तरह से जो बेस नोट है वनीला, पचोली, कश्मीरी वुड और सिडार। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का वही चीज़ है, उसे लिए उतना प्राइस आ जाता है ना। अच्छा, ये नहीं देखो आपको कोई भी उसका और चाहिए? ओके, ये पोमेग्रेनेट है, सैफरोन है, चेरी सब, ये वही सब चीज़ डालना पड़ेगा। यूसुफ भाई, हमको तीन परफ्यूम दें जो लाइट सा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, अपनी मर्जी का दें। हाँ, अपनी मर्जी से दें। हमारी ना फ्लाइट है, 1.5 घंटा है। ओके, इलाज मेरे को बोलने ट्राई करते हैं, लाइक चैट करते रहे, अच्छा वाला एकदम। हाँ, अच्छा, इसका बिस्मिल आना शुरू हो गया सब यहाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह, इसका स्मेल जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये सब भाई अब कितना साल से काम कर रहा है? ये 35 साल से ऊपर हो गया ये। माशाल्लाह, मैं प्रोफेशनल आपके जैसे फोटोग्राफर था। अच्छा, वो छोड़ के कलर ब्लेंड करने को छोड़ के अभी फ्रेग्रेंस ब्लेंड कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो ये भी बहुत यूनिक किस्म का एक आर्ट है, आर्ट जो कि बहुत कम लोगों को आता है। और देखो, हम लोग सीखने के लिए हर चीज में हम लोग कर सकते हैं, कोशिश करेगा तो नतीजा ऊपर वाला देगा। यानी आपको उसके चीज के साथ मोहब्बत होना चाहिए, मोहब्बत, लव यू, लव। कोई भी काम है ना, इज्जत से आप एंजॉय करना है। सही है, सबसे पहले उस चीज का आपका अंदर चाहत होना चाहिए, फिर आप स्ट्रगल करेगा उसको आप सीख सकते हैं। या ये रोमांटिक विद मूड से, मूड से बनाए हुआ। लेकिन आपने परफ्यूम में क्यों चीज किया? इतने बहुत सारे आर्ट है, परफ्यूम में क्यों आया? हम आर्ट्स का एकदम टॉप क्या पूछेगा तो मैं बताएगा, ओनली द स्मेल। अच्छा, दुनिया का आर्ट का टॉप है। क्यों? अच्छा, यह हवा में कोई कोई भी तस्वीर नहीं है। सही है, स्मेल से पूरा फील करता है, पूरा पूरा तस्वीर आ जाएगा। सही है, कोई कोई शख्सियत का तस्वीर भी आएगा। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, बड़ा आदमी कोई भी इस्तेमाल करता तो कोई
पार्टिकल 100 बार सुनो, अच्छा उसको फ्रेग्रेंस आ जाएगा तो वो आदमी को याद आ जाएगा। अच्छा वो तस्वीर आ जाता है। अच्छा, एक जमाने में कोई आदमी हर हमेशा एक परफ्यूम इस्तेमाल करता था, okay. वो खुशबू हम सुनने के टाइम हमको याद आएगा वो साल का। अच्छा समझ गया ना बात, ये उसमें एक तस्वीर, एक फ्रेग्रेंस में हजारों तस्वीर आ सकते हैं। अच्छा कोई हर परफ्यूम में एक स्टोरी होता है। सही है, पहले बार आपको गिफ्ट मिला है, सही है, लेकिन डरने का नहीं, देखो मोहब्बत करो, मोहब्बत सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सोच सही होने का, सही है, हलाल करने का, हलाल करने का। अच्छा यूसुफ भाई, आपका टॉप 10 जो परफ्यूम्स हैं यहाँ पे लोग जो बनवाते हैं आपसे ब्रांडेड, टॉप 10 कौन कौन से हैं? वैसी बोलेगा तो देखो वैसे तो बहुत है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि आप डेली बनाते हैं, टॉप 10 कौन से जो लोग ज्यादा से ज्यादा, ब्लू चैनल हुआ, सवाज हुआ, यानी इस तरह के परफ्यूम में खुद पता है, ब्लू चैनल, सवाज, क्रेडिबल्स, बकरात रोज, कलन, ओके, इंपीरियल वाइल, बहुत फ्रेग्रेंस ऐसे होते रहते हैं। साथ आपने क्या तीन चार और बताना है? अपने तीन चार बताने का है जो टॉप है, क्लाइव क्रिस्टन का है, ओके, कॉम्प्लेक्स का है, ओके, आवर स्ट्रॉन्ग विथ यू है, ओके, अरमानी का है, इसका वैल्यू होते हैं अपने पसंद, अपनी पसंद समझ गया ना, कोई कोई हम लोग को पसंद है ना, सबको पसंद नहीं होने का चांस नहीं है। लेकिन ये यूसुफ भाई का भी बहुत बड़ा एजाज है कि कस्टमर कह रहे हैं कि आप मुझे अपने पसंद का बना के दें, क्योंकि यूसुफ भाई आप माशाल्लाह आप अभी इतना आपका एक्सपीरियंस हो गया कि जो कस्टमर है वो भी कहता है आप अपने मर्जी का मुझे बना के दे दो, ये एक बहुत बड़ा बात है। यानी कस्टमर आपको बता रहा है कि आपका मर्जी का मुझे बना के, मालूम है वो एक्सपीरियंस के वजह से, मोहब्बत के बारे में वो बोलो यूसुफ भाई। सही है, अच्छा दो ये हो गया, दो हो गया, एक और लेडीज के लिए तो इंद्रजीत रोज। यूसुफ भाई अच्छा परफ्यूम का निशानी क्या है, यानी अगर किसी को फर्स्ट टाइम किसी को परफ्यूम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अच्छा परफ्यूम चाहिए, आप उसको क्या सजेस्ट करेगा कि क्या की चीज आप उसमें देखो अच्छा परफ्यूम ढूंढने के लिए? एक तो अपना चूज होता है पर्सनैलिटी, लेकिन कोई बंदा है उसको पता ही नहीं है परफ्यूम का, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेगा कि परफ्यूम में ये 1-2-3 चीज होना चाहिए, आप वो परफ्यूम लो? देखो हर चीज में अभी अपना अपना पसंद होने के पहले, बिल्कुल फर्स्ट, सही है, बाद में उसका रिव्यू देखने का है ना, मार्केट में क्या चल रहा है, सही है, ठीक है, वो हिसाब से वो भी सोचने के हमको ये सूट हो जाएगा नहीं होने का पहले देखने का, सही, बाद में हर चीज का देखो लास्टिंग होने के लिए, लास्टिंग बिल्कुल, परफ्यूम का लास्टिंग मैं कभी भी बोलते 2 दिन नहीं बताएगा, सही है, 8 घंटा मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 घंटा मिनिमम, 8 घंटा होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ खाने के जैसा है, सही है, अभी देखो सुबह में कुछ खाएगा हम लोग, दोपहर को मूड अलग होगा, मतलब भूख लगते हैं, सही है, उसी टाइम भी खाना पड़ता है, रात को खाना पड़ता है, उसके जैसे परफ्यूम लगाने का, लगाने का जब भी आपको जरूरत है लगाने का, क्लीन होने का, ओके, यानी आपका मतलब है कि परफ्यूम अगर 8 घंटे तक चले तो बेस्ट है, बेस्ट है, सही है, लेकिन 8 घंटे तक तो चलना चाहिए, देखो कोई नहीं, वैसे बहुत सारे परफ्यूम है वो 1-2 घंटे में चला जाता है, लेकिन क्या बात मालूम है जी, एक जरूरी है, यूसुफ भाई के मेरे का 10-12 घंटे चलता है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज क्या मालूम है, परफ्यूम लगाने के टाइम हम लोग भी उसमें दिल भी कॉन्फिडेंस चाहिए, खुश चाहिए, क्लीन चाहिए, देखो कोई तसल्ली मिलना चाहिए, तसल्ली मिलना है, अब रहे बात क्या मालूम है, देखो कोई भी हीरा उसको पॉलिश नहीं रहेगा तो जमका ही नहीं, वो ऐसी मट्टी पर जाएगा ऐसी रहेगा, इसीलिए आदमी भी ऐसी चाहिए उसके साथ वो चमकेगा, बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ भाई, यूसुफ भाई ने माशाल्लाह रखा माशाल्लाह। यूसुफ भाई अभी आप क्या बना रहे हैं? ये मैं भी सौवाज डियोर का, अच्छा एलिक्सर बोल के वो बना रहे, ये इसमें आपने परफ्यूम कितना परसेंट डाला उसमें? तकरीबन 35% आप लोग ऑयल डालेगा और स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का, और मेथनॉल जो अल्कोहल है हाँ उसमें डिस्टिल वाटर मेथनॉल सब मिला के, सही है, वो उसका थोड़ा फैलने के लिए अल्कोहल का काम है, अच्छा ये उसका फ्रेग्रेंस का कैरी करके फेंकने का, अच्छा वो और, उसका काम, और इसको लास्टिंग लगाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होता है? लास्टिंग के लिए कॉन्सेंट्रेट चाहिए, कॉन्सेंट्रेट चाहिए, कॉन्सेंट्रेट चाहिए, वो ऑयल का ही अलग से अलग हुआ नहीं, नहीं कॉन्सेंट्रेट कर देना, अगर बाद में बनाने के बाद में है ना ये चिलिंग करने का, अच्छा कम से कम 1 हफ्ता ब्रांड का तो 10-15 दिन प्रोसेस कर रहे उसका
चिलिंग प्रोसेस सही है, बंद करके एक ठंडी जगह में रखें, रेफ्रिजरेट करने का। जी जी ओके। हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं एक हफ्ता चार दिन आप फ्रिज में रखिए, उससे खुशबू जो है इम्प्रूव होता है, उसका मैच्योर होता है ज्यादा। अच्छा, एक साथ डिफरेंट डिफरेंट भी बोला है ना अभी, बर्गमोट लेमन सिट्रस सब मिला के अलग अलग खुशबू होता है, एक साथ मिला के काम हो जाएगा। सही है यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से अगर कोई कस्टमर आता है कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे आप? जरूर, खुशबू बढ़ाओ, खुशी बढ़ाओ। सही है, बस। और यूसुफ भाई के पास आ जाओ। बट... तो देखो मैं बोल रहे दुबई में आ जाओ, दुनिया में खुशबू ज्यादा कहाँ मिल रहा है, मैं बोलेगा दुबई में है, लेकिन उसमें यूसुफ भाई भी है, बहुत आदमी लोग है, आपको कौन सा जगह से पसंद आ जाता है उधर से लियो, कभी भी नहीं बोलते, मैं धंधे के लिए नहीं बोल रहे, खुशबू बढ़ाओ, आपका कॉन्फिडेंस बनाओ, जिधर से भी अपने लिए अच्छा चीज लेना है दस इट वो बस, सिर्फ एक यूसुफ भाई नहीं है, दुबई मार्केट में बहुत सारे आदमी है, खुशबू है सबके पास का, आपको अच्छा खुशबू मिलेगा, ले रहे। ठीक है, थैंक यू सर भाई, नो प्रॉब्लम, अस्सलाम वालेकुम। चलो सर, मैं आपको एक यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके गिफ्ट के लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, थैंक यू, खुशबू बढ़ाओ, खुशी बढ़ाओ, थैंक यू भाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, लास्ट में यूसुफ भाई ने आर्डोर परफ्यूम गिफ्ट किया, यूसुफ भाई का शुक्रिया। मैंने इस परफ्यूम का प्राइस चेक किया, तकरीबन 4000 से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सेम परफ्यूम लेते हैं जो कस्टमाइज्ड परफ्यूम है, वो आपको तकरीबन 70 दरम में मिलेगा। यहाँ पे आपको जितने भी ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं उसके कस्टमाइज्ड परफ्यूम मिल जाएंगे 70 दरम में। ऐसे भी परफ्यूम्स हैं जो जिनके प्राइस 500, 1000, 1500, 2000, तो अगर कोई इतने जो ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ पर आके उस परफ्यूम का नाम बता के या उस किसी भी परफ्यूम की जो खुशबू है वो सैंपल ला के यूसुफ भाई को सुंगाएंगे, तो यूसुफ भाई जो है वो आपको सेम परफ्यूम बना के देंगे। अब 100% अगर नहीं होगा तो मोस्टली सेम होगा और अच्छी लास्टिंग का होगा, आपको वो तकरीबन 70 दरम में बना के दे देंगे यूसुफ भाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें अगर आप टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है, पसंदीदा नोट कौन सा है, और जिस तरह से आपने देखा यूसुफ भाई ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, कमेंट सेक्शन में आप ऐड करें अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है परफ्यूम से रिलेटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का और अपने चैनल का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।